कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है लेकिन कंपनी आई लेकिन मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कैंपस जॉब कैसे ढूंढूंगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर लास्ट ईयर में कंपनी आई, मैंने बैठा, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं सर, अब मैं कहां जाऊं, मैं यूपी में पढ़ रहा हूं, मैं एमपी में पढ़ रहा हूं लेकिन कहां जाऊं, अभी मैं केमिकल इंजीनियर का यहां पे कोई कंपनी नहीं है तो मैं कहां जाऊं, क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे प्लेसमेंट नहीं हुआ, गेट का तैयारी करूं या सरकारी नौकरी का तैयारी करूं या बैंक का तैयारी करूं, क्या करना है, करना क्या है। अगर आप लास्ट ईयर में है या कॉलेज कंप्लीट हो गया है लेकिन आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, आज मैं आज आपको वो सारे सवालों का जवाब। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। ये एक बहुत मोटिवेटेड वीडियो होगा। अगर आप केमिकल इंजीनियर है, लास्ट ईयर में अगर कॉलेज में कंपनी आई, गिने चुने लोगों को ले गई लेकिन आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, आगे आप गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं तो क्या करना है, क्या आपको अच्छा रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, आपको मैं आज मैं वो वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आपको आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको नौकरी नहीं दिला सकता, मैं आपको नौकरी कहाँ मिलेगा, किस लोकेशन पे आपको जाना है, आगे आपको गेट करना है या एमटेक करना है या एमबीए करना है, क्या करना है, मैं आपको बस एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूं, डिसीजन लेना आपके हाथ में है। अब देखिए इसमें कितने तरह के स्टूडेंट होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे। पहला स्टूडेंट वो होगा जो 2024 में इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाला होगा लेकिन उसको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक दूसरा वो होगा जो 2023 में पास आउट हो गए होंगे और एक साल से जॉब ही ढूंढ रहे हैं। तीसरा स्टूडेंट वो होगा जिसको कहीं जॉब नहीं मिला, 2023 में पास आउट हो गए, कहीं जॉब नहीं मिला था, किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के रूप में 15,000 रुपया का जॉब कर रहे हैं और आगे जॉब सर्च कर रहे हैं। एक स्टूडेंट वो होंगे जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन गेट का प्रिपरेशन आपको खुद से नहीं करना है, खुद से कर रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे इंस्टीट्यूट में जाके। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट से जाके ही तैयारी करें। दूसरा स्टूडेंट क्या होगा जो सोचा होगा कि भैया अभी तो जॉब नहीं मिल रहा है तो चलो भाई केमिकल इंजीनियरिंग में जॉब भी ढूंढ रहे हैं, साथ साथ SSC बैंक का, रेलवे का, कॉमन एंट्रेंस SSC का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसको केमिकल फील्ड में ही जॉब करना है, वो केमिकल फील्ड का भी जॉब सर्च कर रहे होंगे और साथ साथ बैंक का भी तैयारी कर रहे होंगे, बैंक PO बनने का भी, रेलवे का भी तैयारी कर रहे होंगे, SSC का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। एक तो वैसे होंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे जो गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ साथ लास्ट ईयर का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि मेरा अच्छा मार्क्स और गेट भी क्लियर हो जाए। एक तो वैसे जगह पर लोग होंगे जो इंडस्ट्री जहां पर है वहां पर नहीं होंगे, 2023 में पास आउट होंगे, हो गए होंगे या 2024 में पास आउट होने वाले होंगे और जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे MP में, इंदौर में फार्मा इंडस्ट्री है, केमिकल रिफाइनरी ज़्यादा नहीं है, यूपी से केमिकल इंजीनियरिंग कहीं से कर लिए किसी भी कॉलेज से लेकिन वहां पर कोई स्कोप नहीं है केमिकल इंजीनियर का, तो वहां बैठे बैठे जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो इस तरह के बच्चे होंगे और जॉब ढूंढ रहे होंगे तो हर बच्चे को क्या करना है, मैं एक आपको गाइडलाइन बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप मेरा गाइडलाइन आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपका डिसीजन। पहला डिसीजन देखिए, मैं बेसिकली फोकस करता हूं हमेशा केमिकल इंजीनियर का, लेकिन आप कोई भी इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर अपने कोर फील्ड में ही जॉब करना है, मैं तो यही सबको सजेस्ट करता हूं, अगर आप अपने कोर फील्ड में ही जॉब करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है अगर मुझे अपने कोर फील्ड में ही जॉब करना है, अगर आपने अच्छे मार्क्स से पास आउट हो रहे हैं या होने वाले हैं तो सबसे बेस्ट है गेट का प्रिपरेशन करना। गेट के आप प्रिपरेशन कीजिए, गेट के रैंक पे बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनी है जो आपको इजीली वहां से आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन गेट का प्रिपरेशन भी आपको दो तरह से लोग करते हैं, एक तो क्या करते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, जो नहीं करना है। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा गेट का प्रिपरेशन खुद से ना करें, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप कीजिए, अदरवाइज उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन गेट वाला इंस्टीट्यूट सब बहुत सारे खुले हुए हैं दिल्ली में, जैसे गेट वाला ऑनलाइन भी क्लास कराता है, तो उसका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए या ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑनलाइन से बेटर है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, जो भी फी लगता है वहां जाके तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आपका फाइनेंशियली इशू है, अगर आपको फाइनेंशियली इशू है, अगर आपको केमिकल फील्ड में ही जॉब करना है
तो आप जॉब सर्च कीजिए। नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपका फाइनेंशियली इशू नहीं है, अगर आपको कोर फील्ड में ही रहना है, तो गेट का ही प्रिपरेशन करें। एक साल बर्बाद होता है चलेगा, दो साल भी बर्बाद होता है तो भी चलेगा, लेकिन दो साल मेहनत कीजिए ईमानदारी से, आपको कहीं ना कहीं गेट में अच्छा क्वालिफ मार्क्स आएगा। चलिए ठीक है, अगर गेट में मार्क्स आया, अगर आपका नौकरी नहीं भी लगा, लेकिन उसके बेस पर आप आगे एमटेक भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप कोई भी इंजीनियर हो, चाहे केमिकल मैकेनिकल, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर पहले फोकस करें। आपको किस फील्ड में जाना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, जॉब ही करना है या गेट का प्रिपरेशन करना है या एमटेक करना है या एमबीए करना है या आपको गवर्नमेंट सेक्टर, बैंक, रेलवे में जाना है। पहले आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज कीजिए। अभी क्या होता है, कितने लड़कों को क्या होता है कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर लेना था, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं मिला, मैं केमिकल इंजीनियर ले लिया। अभी केमिकल इंजीनियर ले लिया, मजबूरी में केमिकल इंजीनियर बन गया, लेकिन मुझे केमिकल इंडस्ट्री में नहीं जाना है। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कीजिए। सबसे पहले आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में अगर कंपनी आती है, पहले कोशिश यही कीजिए, अगर आप थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, कंपनी कॉलेज में आती है तो एप्टीट्यूड लेती है, तो उसमें फोकस कीजिए कि एप्टीट्यूड निकले और कॉलेज से कैंपस लीजिए। और कैंपस भी ऐसा नहीं कोई भी कंपनी आए तो आप बैठ गए। एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार आप किसी कंपनी में बैठ जाते हैं ना भैया, तो आपको दोबारा वो कंपनी आपको नहीं बैठाएगी, क्योंकि आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो दूसरे कैंडिडेट को फिर वो मौका देगी। तो आप याद रखिए कि ये कंपनी आ रही है तो ये फार्मा है, ये रिफाइनरी है, ये केमिकल है, यहाँ कौन सा प्रोसेस है, या सीमेंट इंडस्ट्री है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो आप ये सोच समझ के ही बैठे। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, चलो भैया बाहर तो जॉब नहीं मिल रहा है, बैठ गए, चलिए अच्छी बात है, बैठ गए, आपका प्लेसमेंट हो गया, और वहाँ जाके आप जॉब नहीं कर रहे हैं कि नहीं भैया मुझे फार्मा में नहीं जाना है। आप लोकेशन देखिए, अभी का आप यूपी में हैं, आपकी आप दहेज की कंपनी आई है, आपको वहाँ से गुजरात आना पड़ेगा, लेकिन आपने प्लेसमेंट ले लिया, लेकिन आप बोलिएगा भैया मैं गुजरात में नहीं जाऊँगा, तो आप ऐसा लोकेशन का भी सिलेक्ट मत कीजिए कि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कंपनी में बैठते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपको जॉब करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपके कॉलेज का भी रिपूटेशन ख़राब होता है, और जो बाकी जो बंदे हैं जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको रियल में नौकरी की ज़रूरत है, उनका फ्यूचर भी आप ख़राब कर रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब कंपनी आती है तो अभी कंपनी सब क्या कर रही है, बॉन्ड साइन करा रही है फ्रेशर लोगों के साथ। अगर आप बॉन्ड पे रेडी हैं कोई दो साल, तीन साल, चार साल, अभी हाल में मैंने सुना कि दहेज में एक कंपनी आई जो फ्रेशर को 2.8 का पैकेज दे रही है और बोल रही है कि 5 साल का बॉन्ड, तो 5 साल का बॉन्ड तो भैया कोई साइन नहीं करेगा, कोई कंपनी में 5 साल नहीं रह सकता, 2 साल 3 साल काफ़ी होता है किसी कंपनी में रहने के लिए। तो आप ये सोच समझ के ही किसी कंपनी में इंटरव्यू में बैठिए, ठीक है। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो मत बैठिए। अब मैं बात करने वाला हूँ उस स्टूडेंट के बारे में जो फाइनल ईयर में है लेकिन कॉलेज से नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी बहुत परेशान था। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, आगे गेट करूँ या जॉब सर्च करूँ या गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करूँ। देखिए अभी जॉब सर्च करना, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा फाइनेंशियली इशू है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसका फाइनेंशियली इशू होगा, नहीं मुझे जॉब ही करना है, तो जॉब भी करना है तो आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। तो जॉब भी लोग कैसे सर्च करते हैं, एक बच्चा बैठा हुआ है इंदौर में, एक बेटा बैठा हुआ है कानपुर में, एक बैठा हुआ लखनऊ में और केमिकल इंजीनियर है और जॉब सर्च कर रहा है केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, उस साइड आपका कोई स्कोप नहीं है, तो भैया जी आप उधर क्या कर रहे हैं, उधर तो बैठे बैठे आपको कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी। आप वहाँ बैठे हुए हैं एमपी में, आप फ्रेशर हैं, आप केमिकल इंडस्ट्री गुजरात साइड सबसे ज़्यादा है, और आप वहाँ से रिज्यूम भेज रहे हैं, कंसल्टेंसी को फ़ोन कर रहे हैं, कंपनी को कॉल कर रहे हैं, तो कोई कंपनी आपको क्यों बुलाएगी, नहीं बुलाएगी। अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री में ही जॉब करना है, बार बार बोल रहा हूँ केमिकल इंडस्ट्री या फार्मा रिफाइनरी में ही जॉब करना है, तो आप उस लोकेशन के साइड मूव कीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके फील्ड का, चाहे आप केमिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी फील्ड का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी देखिए इंडस्ट्रियल लाइन में गुजरात में ही आपको मिलेगी। आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी गुजरात में ही मिलेगी, तो आप गुजरात के साइड मूव कीजिए। यहाँ पर आप आइए, ये किस लोकेशन पे आना है, मैं लोकेशन ही बताता हूँ, अंकलेश्वर में, अंकलेश्वर भी सस्ता पड़ता है, पानोली में रहिए, भरूच में रहिए, दहेज में रहिए, ये सब जगह पर रह के आप यहाँ पर जॉब सर्च कीजिए। आप पूछिएगा सर जॉब कैसे सर्च करूँ, तो जॉब सर्च कैसे करना है, देखिए अगर फाइनल ईयर में है या कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और वहाँ बैठ के अपने साइड से जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वैसे जॉब नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो सीनियर
उस फील्ड में कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपना रिज्यूम सेंड कीजिए, उनको बताइए कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो वो कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि तुम अंकलेश्वर आ जाओ या तुम भरूच आ जाओ या पानोली आ जाओ या इस लोकेशन पर आ जाओ या इस एचआर को रिज्यूम भेजो, मेरा रेफरेंस दो। तो ये आपका एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए। लिंक्डइन में हर कंपनी अपना वैकेंसी डालती है, लेकिन लिंक्डइन में अपना अच्छा प्रोफाइल बनाइए, आपका लुक अच्छा होना चाहिए, रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। दूसरा तरीका हुआ। तीसरा naukri.com, naukri.com पे आप अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, मॉन्स्टर पे एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, उस पे अपना रिज्यूम अपलोड कीजिए और हर दिन अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहिए और अपना डेली अपडेट करते रहिए, जॉब सर्च करते रहिए और अप्लाई करते रहिए। मैं मानता हूँ आप 100 जगह भेजिएगा तो आपको एक जगह दो जगह से भी रिप्लाई नहीं आएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको हिम्मत रखना है, जॉब मिलेगा मिलेगा। और चौथा, अगर भैया आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई भी कंपनी अगर आपको स्टार्टिंग में इंटर्नशिप पर भी ले लेती है, इंटर्नशिप पे भी ले लेती है, चाहे 15,000 रुपया ही क्यों नहीं दे, इंटर्नशिप पे यहाँ 15,000 देती, मानता हूँ वो एक्सपीरियंस आपको उतना काउंट नहीं होगा। आप बोलिएगा सर मैं केमिकल इंजीनियर हो के मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, यही हालत है अभी केमिकल इंजीनियर का, यही सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं आप भी, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई रेफरेंस है, कोई लिंक है, नहीं है, तो भटकिए, क्या करेंगे। अगर आपका कॉलेज का सिलेक्शन अच्छा होता, अगर आप अच्छे IIT NIT से पढ़े रहते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता, टॉप के कॉलेज से पढ़े रहते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है आज, यही रियलिटी है। फ्रेशर लोगों को कोई नौकरी नहीं दे रहा है विदाउट एक्सपीरियंस, यही आज का सिनेरियो है भैया, सबको एक्सपीरियंस बनना चाहिए, तो कहाँ से लाएगा एक्सपीरियंस, तो आप कहीं से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्रेंटिस कीजिए, उसका एक्सपीरियंस पे आप कीजिए, या कोई भी कंपनी आपको जो भी सैलरी पर, अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है या रिफाइनरी या फार्मा, अगर आपको एक बार मौका मिलती है तो अपना ये जो फ्रेशर का धब्बा है ना भैया, बहुत चुभता है, ये चुभता है, हमको भी 6 महीना जॉब नहीं मिला, हमने भी केमिकल इंजीनियरिंग करके पुणे में जॉब 6 महीना सर्च किया, नहीं मिला, नहीं मिला, पुणे में कोई स्कोप भी नहीं उतना केमिकल इंजीनियर का, नहीं मिला, तो मैं भी गुजरात के साइड मूव किया, मुझे इंदौर में नौकरी मिला, वो भी रेफरेंस से, कोई भैया मेरे सीनियर जॉब कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हाँ तुम राहुल यहाँ रिज्यूम भेज दो, तो मैंने रिज्यूम भेजा, तो उनकी कंपनी में रिक्वायरमेंट था, तो उनका मैनेजर के साथ थोड़ा सा था कि हाँ चलो भैया ये लड़का अच्छा है ले लो। तो इसी तरह होता है, स्टार्टिंग आपको कैसे भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपनी के वेबसाइट में जाना है, गूगल पे सर्च करना है टॉप केमिकल इंडस्ट्री, मैंने वीडियो भी बना हुआ है टॉप केमिकल इंडस्ट्री, टॉप रिफाइनरी इंडस्ट्री, वो सब कंपनी का नाम सर्च कीजिए, उसके कैरियर में जाइए, हर कंपनी अपने कैरियर में वैकेंसी का अपडेट करती है, वैकेंसी रहती है तो लिखा रहता है, वैकेंसी नहीं लिखे रही करंटली नो वैकेंसी, तो घबराना नहीं है आपको, उसमें अगर आपका मेल आईडी लिखा हुआ है तो उस कंपनी को पोलाइटली आप रिज्यूम भेजिए, एक बार भेजिए, 2-3 महीने के बाद फिर से भेजिए, बार बार रिज्यूम मत भेजिए। और ये चीज आप हर कंपनी के वेबसाइट में कीजिए, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बैठे हुए हैं तो हर कंपनी के वेबसाइट में जाके, उसके कैरियर ऑप्शन में जाके उसको रिज्यूम भेजना चालू कर दीजिए, उसका फॉर्म रहे, नहीं भी वैकेंसी है तो भी रिलायंस हो या किसी का बिरला हो या ग्रासिम हो, किसी भी इंडस्ट्री के कैरियर में अगर मेल आईडी दिखता है तो उसको अपना रिज्यूम भेजिए और उसको बोलिए। और रिज्यूम में सबसे पहली बात क्या है ना, अगर वो इंडस्ट्री अगर गुजरात साइड है तो अपना रिज्यूम में जो लोकेशन है और जो नंबर है वो अपडेट रखिए, और जो एड्रेस है ना, खासकर एड्रेस अपने को, अगर गुजरात साइड कंपनी है तो गुजरात साइड का एड्रेस दीजिए, आपके गुजरात साइड में अगर कोई नहीं रह रहा है तो कोई फ्रेंड का कहीं का लोकल एड्रेस, आप सूरत उसके गुजरात के आसपास कहीं का एड्रेस दीजिए, तो आपके रिज्यूम को ज़्यादा वो फोकस करेगा। दूसरी बात, एक चीज़ क्या कर सकते हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, आप गूगल में सर्च कीजिए केमिकल इंजीनियर वैकेंसी, इससे आपको वैकेंसी पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको प्राइवेट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात, सैलरी भी बहुत कम मिलता है फ्रेशर लोगों को, लेकिन आपको सैलरी स्टार्टिंग में नहीं देखना है भैया, आपको अगर जॉब ही करना है स्टार्टिंग में, अगर कोई भी कंपनी मिल रही है तो स्टार्टिंग में आप पकड़ लीजिए, लेकिन आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे याद रखिए अगर आपको जॉब करना है तो। बाकी मैं हर फ्रेशर को यही सजेस्ट करता हूँ बार बार कि आप गेट के लिए जाइए, ठीक है। अगर देखिए, एक लड़के से मेरा बात हुआ, वो बोला कि मैं गोरखपुर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर का भी, बैंक का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, देखिए केमिकल इंजीनियर अगर आप लोग हैं,
मैं आज सच्चाई बोल ही देता हूँ। हर बार बोलते हैं कि सर आप बहुत बराई क्या, मैं भी सच ही बोल देता हूँ, केमिकल इंजीनियर फील्ड में सैलरी नहीं मिलता है भाई। अगर आपको कॉलेज से, अगर आप आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए हैं ना, तभी आपका अच्छा पैकेज मिला है। अगर आपको वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ ना आईआईटी एनआईटी से, तो प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट कंपनी में आपको सैलरी बहुत कम मिलता है। केमिकल इंजीनियर का क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। लोग केमिकल इंजीनियर का नाम से ही सैलरी नहीं देते हैं, इतना कम सैलरी देते हैं। अभी आप कॉलेज से आप आइएगा ना, तो कॉलेज से आपको 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख देगा। प्राइवेट आप यहाँ पर जाके जॉब ढूंढिए ना, तो आपको बोलेगा 2.5 3 लाख 4 लाख 15 हज़ार रुपये सैलरी देगा, बोलेगा बॉन्ड साइन करने के लिए। ये क्या गुलाम बना के रखा है कंपनियों ने। तो आज का सिनेरियो ऐसा है, सैलरी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे है। अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत बढ़िया। बाकी देखिए मैं तो यही बोलता हूँ, गेट का प्रिपरेशन कीजिए। नहीं कर सकते गेट का प्रिपरेशन, छोड़ दीजिए केमिकल इंजीनियर, मैं बोलता हूँ छोड़ दीजिए केमिकल इंजीनियर। अगर आपको लगता है कि नहीं सैलरी आपको बहुत उम्मीद रखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कीजिए, बैंक का तैयारी कीजिए, छोड़ दीजिए केमिकल इंजीनियर। मैं बोलता हूँ, मैं बहुत बहुत मैं भी आजकल बहुत गुस्सा में हूँ यार। फ्रेशर लोग इतने परेशान है ना, नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री में आके इधर दहेज में अंकलेश्वर में रह रहे हैं, नहीं मिल रहा है जॉब। सर बोलते सर मैं क्या करूं, नहीं मिल रहा है, 15 हज़ार रुपया भी नहीं दे रहा है। इतना 10 लाख रुपया लगता है इंजीनियरिंग करने में, कोई माँ बाप इतना मेहनत से मुझे भी पढ़ाया, और आज मैं इतना परेशान हूँ। सब आदमी परेशान है कि भैया सैलरी ग्रोथ इतना कम क्यों है, अगर आपका अच्छे स्टार्टिंग नहीं होता है तो। देखिए मैं कुछ ज़्यादा बोल गया केमिकल इंजीनियर वाले भैया, माफ़ कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आज का यही सच्चाई है मेरे दोस्त। अगर आप सब बच्चा आईआईटी एनआईटी से नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ा, मैं भी एवरेज बच्चा ही हूँ, मैं भी कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं, मैं भी एवरेज ही हूँ। मैं भी धीरे धीरे जॉब कर रहा हूँ, लगा हूँ, और मेरी भी सैलरी कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरी भी सैलरी बहुत ज़्यादा है और होती है। हाँ, इंटेलिजेंट बहुत लड़के होते हैं जिसको स्टार्टिंग में ही 8 लाख 9 लाख 10 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है, तो उसको अच्छा ग्रोथ मिलता है। अभी देने लगी है, पहले नहीं देती थी भैया। आज से 10 साल 12 साल पहले की बात कीजिए तो नहीं देती थी कंपनी। तो लोग फील्ड चेंज कर लेते हैं, तो वो आपका डिसीजन रहेगा आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है तो घबराइए मत, गुजरात के साइड मूव कीजिए। इधर आते हैं तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जितना भाई मैं आपको बोलता हूँ, मैं हर केमिकल इंजीनियर को जितना होगा मेरे से मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। मैं गाइडलाइन हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मैं भी परेशान हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ जो परेशानी मैं फील किया आप लोग भी वो फील करें। मैं वैकेंसी का भी हर दिन, आज ही मैंने डाला है वैकेंसी का, फ्रेशर रिक्वायर है, तो जो वैकेंसी मैं डालता हूँ उसमें आप तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए। उसके बाद यहाँ आते हैं तो कंसल्टेंसी से मिलिए। कंसल्टेंसी लोग आपको बहुत हेल्प करता है इसमें, कंसल्टेंसी लोग बहुत हेल्प करेगा। कंसल्टेंसी लोग की चार्जेज होती है, चार्जेज पे कीजिए। मैंने भी पे किए थे, ये अलग बात है कि मुझे वहाँ से नौकरी नहीं मिला। आप पे कीजिए, जो उसका जेन्युइन रजिस्ट्रेशन चार्ज है रजिस्ट्रेशन चार्ज दीजिए। फ्रॉडगिरी भी करते हैं कंसल्टेंसी वाले, इंटरव्यू नहीं कराएंगे। लेकिन आप अगर जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब ढूंढ रहे हैं, एक साल हो गया जॉब नहीं मिल रहा है, चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक हो, जॉब नहीं मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में आप अपने फील्ड ही में रहना है तो जॉब कहीं भी एक कंपनी में 1 साल 2 साल कहीं भी आप मेहनत कर लीजिए। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कहीं भी किसी भी अपने फील्ड में 1 साल 2 साल आप मेहनत कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे होगा। लेकिन आप, मैं अभी क्या बोलूँ, केमिकल इंजीनियर फील्ड में अगर आउटसाइड से जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए भैया, गेट का प्रिपरेशन कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका गेट में अच्छा ही होगा, ONGC गेल वेल सेल मिलेगा। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, MTech भी कर सकते हैं, आपका डिसीजन है। आप नहीं करना है तो आप MBA भी कर सकते हैं, वो भी नहीं करना है तो सबसे बढ़िया, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो SSC का भी तैयारी कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा, मेरे फादर मदर को फाइनेंशियली इशू था, अदरवाइज मैं भी SSC का तैयारी करना। अभी सबसे बढ़िया SSC का प्रिपरेशन करना रहता है। अगर इंजीनियर हो तो क्या हुआ, इंजीनियर बन के भी अगर आप SSC का प्रिपेयर कीजिएगा ना, तो आपका एक रुतबा होगा कि इंजीनियर है, साथ में ये गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहा है और जॉब कर रहा है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका फाइनेंशियली इशू नहीं है, तो मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूं लोगों को कि छोड़ दीजिए केमिकल इंजीनियरिंग, नहीं बनिए केमिकल इंजीनियर, नहीं जॉब कीजिए केमिकल इंडस्ट्री में। अगर गेट से अच्छा नहीं होता, अगर आपको रिसर्च नहीं करना, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो बेस्ट फील्ड है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो भैया ये अच्छा फील्ड है, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको इसी फील्ड में रहना है तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। हाँ, आपका कोई रेफरेंस है, कहीं अच्छा पैकेज दिला दिया हो ऑफ कैंपस, तो अलग बात है। बाकी कॉलेज IIT NIT से पढ़े रहिएगा तो वहाँ पर अच्छा खासा पैकेज मिलता है। बाकी अदर ऑफ कैंपस मैंने देख लिया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ ना भाई साहब,
सभी स्टूडेंट, रियलिटी है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा हो, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर कॉलेज से आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, सब यही बोलते, सब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, जॉब नहीं मिल रहा हो, फादर मदर का प्रेशर कि इंजीनियर कर लिया, इतना पैसा खर्चा कर लिया लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा तो क्या करे। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप गुजरात साइड शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे एमपी यूपी किसी भी स्टेट में हो, राजस्थान, तो आप इस साइड मूव कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी कहीं पे किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनसे बात कीजिए, उनका गाइडलाइन लीजिए, और मेरे को मैसेज कीजिए, जितना मुझे पता होगा मैं आपका 100% आपका हेल्प करूंगा। लेकिन मैं नौकरी नहीं दिला सकता भाई, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मुझसे बोलेगा साहब मुझे अपने कंपनी में इंटर्नशिप करा दो, नौकरी दिला दो, तो मैं भैया हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक छोटे कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई नौकरी नहीं है। वैकेंसी आएगा जैसे तो मैं बता सकता हूँ, हर कंपनी के करियर में जाइए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, इतना मेहनत करके इंजीनियरिंग किए हैं और हिम्मत हार रहे हैं, हम भी हिम्मत हारे, 6 महीना जॉब नहीं मिला, लगे रहे स्ट्रगल करते रहे, मिला कि नहीं मिला, आज 5वीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर कंपनी चेंज करेंगे, एक बार अगर आप घुस जाइएगा ना तो आपका लाइफ आगे बढ़ता रहेगा, आप चेंज करते रहिएगा कंपनी, एक कंपनी है, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, अगर इसी में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो बाय बाय, अलविदा, केमिकल इंजीनियरिंग को अलविदा कर दीजिए, सोच लीजिए, मैं सच्चाई आपको बता दिया कि इसमें सैलरी का आप जो उम्मीद रखिए कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 महीना मिलेगा, स्टार्टिंग में शुरू नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आईआईटी एनआईटी से नहीं है, और मैं आईआईटी एनआईटी जो बार बार बोला ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आईआईटी एनआईटी वाले को भी सबको 1,00,000, 2,00,000 मिल जाता है, नहीं भी मिलता है, प्लेसमेंट भी नहीं होता है, वो भी आउट ऑफ कैंपस भटकते हैं, एक था मेरा आईआईटी रुड़की में रिलायंस में मेरा फ्रेंड, वो भी 10,00,000 पे कहता, दिक्कत होगा, तो ये चीज़ भी आप सोच लीजिए, ऐसा नहीं कि आईआईटी एनआईटी में सबका प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट हो ही जाता है, नहीं भी होता है, तो वो लोग भी ऑफ कैंपस भटकते हैं, ढूंढते हैं जॉब, तो आप देख रहे हैं कि यह है रियलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर के यही रियलिटी है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने लाके रख दिया, बाकी डिसीजन आपका, आपको क्या करना है आप जाने, मैं तो आपको गाइडलाइन दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। चलिए हमारे फॉलोअर लोग, केमिकल इंजीनियर चाहे कोई भी इंजीनियर हो, ऐसा नहीं केमिकल इंजीनियर कोई भी, लेकिन ये केमिकल इंजीनियर का ब्रांच का यही हालत है, अभी क्या कर सकते हैं भाई साहब, यही हालत है। यहाँ अभी आप एक्सपीरियंस वाले कंपनी क्या करती है, एक्सपीरियंस वाले से को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो क्या करती है, 4 फ्रेशर को ले आती है उतना पैकेज में, 12,00,000 में वो एक आदमी को लेगा तो वो 12,00,000 में 3 फ्रेशर को लेके उसको ट्रेन कर देती है, 6 महीना में उसको सिखा देती है। तो आज का ये सिनेरियो है, कंपनी को कम पैसे में बंदे चाहिए, तो अभी क्या कीजिएगा, अभी मार्केट भी डाउन है, केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बात क्या है ना, मार्केट भी डाउन है, बहुत सारी कंपनी का बहुत सारा प्लांट भी बंद है इधर गुजरात में, जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मार्केट डाउन है, आपको भी समझना पड़ेगा, हर ये सब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर आपको इसी फील्ड में रहना है तो आप डिसाइड माइंड सेट कर लीजिए, नहीं रहना है तो आप फील्ड चेंज कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो सोचिएगा कि मैं इसी फील्ड में बहुत अच्छा करना है तो कीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, गेट का प्रिपरेशन कीजिए, उसमें से अगर आपका अच्छा रैंक आता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन खुद से मत कीजिए तो अच्छा हुआ। चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए, भैया लोग मैं मेहनत करता हूँ, मैं जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो, नया टॉपिक, तो मुझे ये लगा कि लोग सब बहुत परेशान है कि मैं अभी क्या करूँ, लास्ट ईयर में हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं दिमाग में आया चलो मैं थोड़ा उनको थोड़ा एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँ, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।